हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में पिछड़ता जा रहा है। अमेरिका और नेटो देशों जैसे सरीखे ताकतवर सहयोगियों की मदद के बावजूद यूक्रेन को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। हथियारों और सैनिकों की कमी जहां पहले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति के लिए चिंता का सबब बनी हुई है, वहीं अब एक एक कर यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे ने ज़ेलेंस्की का मनोबल और गिरा दिया है। यूक्रेन की छटपटाहट अब खुलेआम भी दिखने लगी है। रूस ने एक बार फिर से अपना आक्रामक रुख दिखाते हुए यूक्रेन पर जबरदस्त वार किया है। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के दो और इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सेना ने खारकीव इलाके के कोटलियारिव का गांव और डोनेस्क के सोलोवियोव गांव पर कब्जा कर लिया है। सोलोवियोव गांव डोनेस्क प्रांत के उस हिस्से में आता है जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। बताया जाता है कि खारकीव उन इलाकों में से एक है जहां रूस ने हमले के शुरुआती दिनों में खासा फोकस किया था, मगर यूक्रेनी सैनिकों ने पश्चिमी हथियारों की मदद से खदेड़ दिया था। कोटलियारिव का गांव कुपियांस से करीब 20 किलोमीटर दूर है, जहां हाल ही में भारी तोपखाने की गोलाबारी देखी गई थी। खास बात है कि साल 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के चार इलाकों पर कब्जा किया, खेरसों, जैपोरिजिया, लुहांस्क और डोनेस्क। ऐसा दावा किया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अब तक का यूरोप की सरजमी पर सबसे बड़ा कब्जा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये गांव ओचेरेटिन से ज्यादा दूर नहीं है, जिस पर रूस ने रविवार को कब्जा करने का दावा किया था। हाल के महीनों में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अपनी बढ़त बढ़ाई है। पिछले हफ्ते रूस ने बर्डीची गांव पर कब्जे का दावा किया था, जो कि अवदेवका शहर के पास है, जिस पर रूस ने एक साल से अधिक समय तक चले भीषण युद्ध के बाद मार्च में कब्जा जमाया था। पिछले महीने रूस ने पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर चासीवियर के पास बोहदानिवका गांव पर कब्जा करने का भी दावा किया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में यूक्रेनी सेना फ्रंट लाइन पर रूस का मुकाबला नहीं कर पा रही है, लगातार यूक्रेनी इलाकों पर से अपना कब्जा खोती जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी मदद की सुस्त रफ्तार ने यूक्रेन को कई मोर्चों पर पिछड़ने पर मजबूर कर दिया है। हथियारों और गोला बारूद की कमी के चलते यूक्रेन को रूस के सामने कई अहम इलाकों पर आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कमांडर इन चीफ के हालिया बयानों से साफ है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में काफी संघर्ष कर रहा है।